फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय जायद और आप देख रहे हैं लॉजिक गुरु। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था, आने वाले चार महीनों में पटवारी परीक्षा जो 9000 पदों के साथ आने वाली है, ठीक है, उसके लिए कई स्टूडेंट के मन में कई तरीके सवाल उठ रहे हैं कि पटवारी परीक्षा कौन दे पाएगा, कौन नहीं दे पाएगा। यानी योग्यता संबंधी प्रश्न जो है वो मध्य प्रदेश के युवाओं को बहुत परेशान कर रहा है। तो ये वीडियो हमारा उन्हीं के लिए है ताकि हम क्लियर कर सकें कि कौन कौन पटवारी परीक्षा दे सकता है और कौन जो है उसके लिए योग्य नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, तो आज हमारा वीडियो उसी पर है। तो हम जानते हैं कि करके कि पटवारी परीक्षा के लिए, पटवारी परीक्षा जो आने वाली है उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या योग्यता नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पटवारी परीक्षा 2017 के लिए कि यदि शैक्षणिक योग्यता आपकी बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी है, तो क्या आप पटवारी परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका क्या जवाब है। इसका जवाब है हाँ, अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है या बीएससी अगर आपने आईटी से किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है, तो आप पटवारी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यदि आपने स्नातक पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, तो क्या परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता रखते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस सिर्फ एक पाठ्यक्रम में एक सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, ठीक है, तो वो क्या होगा उसके लिए। तो जैसा कि आपका उच्चतम न्यायालय में केस के अनुसार पारित किया गया है, बताया गया उच्च न्यायालय द्वारा कि अगर स्नातक में सिर्फ एक सब्जेक्ट रहा है आपका कंप्यूटर, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं पटवारी परीक्षा के लिए आप क्या कहते हैं योग्य नहीं रहेंगे, ठीक है। यानी कि आप कंप्यूटर बीएससी कंप्यूटर साइंस से करते हैं तो आप योग्य हैं, और अगर आपने सिर्फ स्नातक पाठ्यक्रम में सिर्फ एक कंप्यूटर पढ़ा है एक सब्जेक्ट के रूप में, तो आप उसके लिए मान्य नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपने यदि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि अगर आईटीआई से अगर आपने कंप्यूटर डिप्लोमा किया है, तो क्या वो मान्य होगा या नहीं। तो इसका जवाब है कि उक्त डिप्लोमा मान्य नहीं होगा, यानी कि आईटीआई डिप्लोमा से आप पटवारी परीक्षा नहीं दे सकते, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हाई स्कूल के बाद यदि आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है जो 2 या 3 या 4 साल का होता है, तो क्या वो पटवारी परीक्षा के लिए मान्य रहेगा। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अगर आपने हाई स्कूल के पश्चात राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय से पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा किया है, तो वह मान्य होगा। यानी कि अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लिया है, तो उसके जरिए आप पटवारी परीक्षा भर्ती में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइवेट संस्था से यदि आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है, तो क्या वह मान्य होगा या नहीं। तो इसका जवाब है नहीं, प्राइवेट संस्थाओं द्वारा किया गया कंप्यूटर डिप्लोमा पटवारी परीक्षा में मान्य नहीं होता है। हाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन यदि वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपको कंप्यूटर डिप्लोमा कराता है, तो ही वह मान्य होगा, ठीक है। यानी प्राइवेट संस्था से किया गया डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्था से यदि आपने 6 माह का कंप्यूटर डिप्लोमा किया है, तो क्या वो मान्य होगा। देखते हैं इसका जवाब क्या है। तो इसका जवाब है नहीं, आपको किसी यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि आपने कम से कम 1 वर्ष का यदि कंप्यूटर डिप्लोमा किया है, तो ही वह मान्य होगा, ठीक है। यानी कि 6 माह का कंप्यूटर डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या यदि अगर अभ्यर्थी या कैंडिडेट बीसी या पीजीडीसी कोर्स में अध्ययनरत है या परिणाम अभी आना बाकी है, तो क्या वह पटवारी चयन परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। तो इसका जवाब देखते हैं हम क्या है। तो इसका जवाब है नहीं, आवेदन दिनांक को यानी जिस समय आप आवेदन कर रहे हैं पटवारी परीक्षा के लिए, उस समय तक आपका रिजल्ट या परिणाम आ जाना चाहिए। यानी कि आवेदन दिनांक तक आपको कंप्यूटर डिप्लोमा में योग्य होना अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि आप अध्ययनरत हैं तो या परिणाम आना बाकी है, तो आप पटवारी चयन परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अभ्यर्थी ने बीसीए किया है यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीई किया है, या बीई आपने सीएस यानी कंप्यूटर साइंस में किया है, या बीई आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, तो क्या वो परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। तो देखते हैं इसका जवाब क्या है। तो इसका जवाब है हाँ, यदि आपने बीसीए एमसीए बीई आईटी में बीई सीएस में या बीई इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, तो आप पटवारी परीक्षा में आप सम्मिलित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय से जारी कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट मान्य है। तो इसका जवाब देखते हैं हम लोग।
तो इसका जवाब है हाँ, चूंकि महर्षि महेश योगी यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है जो कि एक निजी विश्वविद्यालय है, चूंकि यूजीसी से मान्यता प्राप्त है इसलिए इसके द्वारा जारी किए गए सभी डिप्लोमा प्रमाण पत्र जो एक वर्षीय प्रमाण पत्र है वो पटवारी परीक्षा के लिए मान्य होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा एक और क्वेश्चन हमें आपको बता दें कि अगर यदि आपने बीई किया है या बीसीए किया है तो कुछ छात्र के मन में क्वेश्चन रहता है क्या इसके साथ भी कोई डिप्लोमा आवश्यक है, तो मैं आपको बता दूं इसके अलावा आपको कोई डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने बीई किया है, बीसीए किया है, एमसीए किया है, बीआईटी किया है, इलेक्ट्रॉनिक किया है या बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है तो आपको इसके साथ में डिप्लोमा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वो डिग्री ही काफी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा वीडियो पटवारी परीक्षा की योग्यता के आधारित पे। आपको मैं बता दूं कि ये जो नियम है ये 2012 पटवारी परीक्षा की भर्ती से लिए गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है इनमें कुछ परिवर्तन हो जाए लेकिन इनमें परिवर्तन होने की संभावना कम ही है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो पटवारी भर्ती परीक्षा पे उनकी योग्यताओं पर आधारित आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए। ठीक है, यदि फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। और पटवारी परीक्षा की तैयारी के लिए हम लोग जल्द ही आपके लिए सिलेबस अकॉर्डिंग सिलेबस की वीडियो, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स की वीडियो भी हम धीरे धीरे करके आपको सीरीज उपलब्ध कराएंगे। तो आप चाहते हैं कि आपको हमारे लगातार वीडियो अपडेट होते रहे, पटवारी परीक्षा संबंधी न्यूज आपको मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको प्रॉपर तरीके से अपडेट मिलते रहे इसलिए चैनल के नीचे बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।